Students, today I am going to teach you third lesson of English grammar, that is gender. Gender को हिंदी में हम लिंग कहते हैं. Gender is a part of noun. Gender noun का ही part है. Previous classes में आपने noun पढ़ा होगा, types of noun पढ़ा होगा, gender भी पढ़ा होगा. So, come to the definition of gender. जेंडर की परिभाषा यानी जेंडर क्या होता है. जेंडर इज अ क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन दैट क्लासिफाइज इट इज मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर. बच्चों आप इसको इजी लैंग्वेज में समझिएगा. मैं इसको इजी से इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ. वह शब्द जिससे हमें यह पता चलता है कि कोई नाउन मेल है या फीमेल है, यानी कि वह शब्द जिससे हमें यह पता चले कि कोई संज्ञा पुरुष जाति है या स्त्री जाति है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टाइप्स ऑफ जेंडर. इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर फोर टाइप्स ऑफ जेंडर. यानी कि इंग्लिश में जेंडर चार प्रकार के होते हैं. हिंदी में भी लिंग आपने पढ़ा होगा. हिंदी में लिंग तीन प्रकार के होते हैं, उसी तरह इंग्लिश में लिंग जो है वो चार प्रकार के होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट मैस्कुलिन जेंडर. वट इज मैस्कुलिन जेंडर? इट रिफर्स टू मेल्स. यानी कि मैस्कुलिन जेंडर वह होता है जो पुरुष जाति का बोध कराता है. एग्जाम्पल मैन. मैन जो है, मैन का मतलब होता है आदमी. और ये मैन कौन सा जेंडर है बच्चों? तो मैन जो है वो मैस्कुलिन जेंडर है. अब आप और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि बॉय, अंकल, ब्रदर, सन, टाइगर, डॉग, एक्टर एट्सेट्रा. नाउ फेमिनिन जेंडर. फेमिनिन जेंडर रिफर्स टू फीमेल्स. यानी फैमिली जेंडर स्त्री जाति का बोध कराता है. फैमिली जेंडर क्या होता है? तो वैसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं. फॉर एग्जाम्पल वुमन. वुमन मीन्स औरत. और औरत किस जाति का बोध कराती है? तो स्त्री जाति का. यानी कि वुमन क्या है? फैमिलीन है. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि कैट, मदर, सिस्टर, गर्ल, टाइग्रेस, फीमेल डॉग एट्सेट्रा. बच्चों जब मैं डॉग बोलूँगी कि डॉग का जेंडर क्या है, तो आप बोलोगे मैस्कुलिन जेंडर. लेकिन जब मैं आपसे बोलूँगी कि डॉग का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? फीमेल डॉग. अंडरस्टैंड? नाउ कॉमन जेंडर. व्हाट इज कॉमन जेंडर? इट रिफर्स टू आइदर मेल्स और फीमेल्स. कॉमन जेंडर में मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों आ जाता है. यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही आ जाते हैं. जैसे कि स्टूडेंट. स्टूडेंट में मेल और फीमेल दोनों आ जाएगा. यानी कि स्टूडेंट लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है. और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि फ्रेंड. फ्रेंड तो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है. टीचर. टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. डॉक्टर. डॉक्टर भी मेल हो सकता है और फीमेल हो सकता है. और बेबी. बेबी मीन्स बच्चा. बच्चा लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है. यानी मेल या फीमेल दोनों ही हो सकते हैं. यानी कि जो जो दोनों ही या तो मेल को रिफर करे या तो मेल को दिखाए या फीमेल को, वही हमारा कॉमन जेंडर होता है. जिसमें दोनों ही आ जाए. सबसे अच्छा इजी लैंग्वेज ये होगा कि जिसमें दोनों ही आ जाते हैं, जिसमें लड़का लड़की दोनों ही आ जाते हैं, वो हमारा कॉमन जेंडर होता है. नाउ न्यूट्रल जेंडर. वट इज न्यूट्रल जेंडर? इट रिफर्स टू अ नॉन लिविंग थिंग दैट इज नाइदर मेल नॉर फीमेल. न्यूट्रल जेंडर नॉन लिविंग थिंग होते हैं जो ना ही मेल होते और ना ही फीमेल होते हैं. यानी कि नॉन लिविंग थिंग तो आपको पता ही होगा बच्चों, जो निर्जीव चीज़ें होती हैं, जिनमें जीव नहीं होता, जिनमें लाइफ नहीं होती है, वही हमारा नॉन लिविंग थिंग होता है. और नॉन लिविंग और ना ही ये मेल को रिप्रेजेंट करता है और ना ही ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है. ना ही इसमें मेल आते हैं और ना ही फीमेल आते हैं, और ये नॉन लिविंग थिंग होता है.
बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जो कॉमन जेंडर होता है वो लिविंग थिंग के लिए होता है, यानी कि इसमें मेल और फीमेल दोनों ही आएंगे और ये लिविंग थिंग होगा, यानी मेल और फीमेल तो लिविंग ही है, और न्यूट्रल जेंडर जो है नॉन लिविंग थिंग होता है। और इसका एग्जाम्पल होता है कार, कार हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जैसे कि मोबाइल हो गया, बुक हो गया, पेन हो गया, लैपटॉप, चेयर, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं न्यूट्रल जेंडर के। आई होप आप यहाँ तक समझ पाए होंगे कि जेंडर क्या होता है, टाइप्स ऑफ जेंडर क्या होता है।